हालात इदा ने कि आम आदमी पार्टी की कंप्लीट फेलियर हो चुकी है। उन्होंने जोड़ा मैदान है पोलीटिकल स्पेस वो बिल्कुल खाली है। बादल दल के अखौती अकाली ने वो नेड़े तेड़े भी नहीं गए और होर भी कोई पोलीटिकल जमात बीजेपी वगैरह लोग पंजाब के पसंद नहीं करते। इस करके कांग्रेस स्टैंड्स अ वेरी गुड चांस। उन्होंने नाल कोई जनता प्यार नहीं करती क्योंकि जो तो तुसी इन्ने साल एक पार्टी रह के सडनली एजेंसियां तो डरते तुसी बीजेपी ज्वाइन कर दे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंच चुकी है। पंजाब दे विच अज शुरुआत होने जा रही है। तमाम आगू इतने पहुंच रहे हैं। सुखपाल सिंह खहरा पहुंचे हुए हैं। खहरा साहब, लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा वाकई भारत को जोड़ पाएगी? बिल्कुल जोड़ रही है जी। तुसी देखोगे कि जो बीजेपी ने नफरत के बीज बीजे ने उसनू काउंटर करने वास्ते राहुल गांधी होना ने काफ़ी अरसे तो तुसी देख ही रहे हो चले हो सारे देश में बड़ा अच्छा रिस्पोंस है और बहुते जड़े लोग ने देश के वो इस नफरत के खिलाफ ने। सिर्फ एक क्रीमी लेयर होंगी उपरले लैवल से जी पोलिटिकल क्रीम कह लो मीडिया की एक उपरले लैवल की क्रीमी लेयर है जी ये सारी भावना स्प्रेड कर रही है। बहु गिनती देश के लोग कम्यूनल हार्मनी चाहते हैं और पंजाब जड़ा इस तो बहुत बचा हुआ भावें इतने किन्ना कुछ होया लेकिन पंजाब के पिंडा विच जिन्नी आपस में सांझी वालता वा वो सिर्फ इस करके क्योंकि साढ़े गुरु साहबान साढ़े गुरु ग्रंथ साहब के सारिया धर्मां की बाणी दर्ज सबनू महत्वपूर्ण जगह इस करके पंजाब एक बहुत वड्डा इशू नहीं गा लेकिन बाकी सारे देश में डेफिनेटली जो पोलिटिकली मोटिवेटेड नफरत फैलाएगी दंगे कराए गए कतलोगारत कराएगी धर्म जात पात दे राजनीति कराएगी उहदा बड़ा जबरदस्त विरोध लोगों ने आप मुहारे किया। पंजाब दे विच अगर गल करिए पंजाब दे विच लगता है कि जिवें बाकी सूबों दे विच हुंगारा मिलिया सी इस यात्रा नूं उसे तरह पंजाब दे विच मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, डेफिनेटली जी। पंजाब बहुत लोग कांग्रेस का साडा जिहड़ा अपना केडर है बड़ा उत्साहित है और इस वक्त हालात इदां दे ने कि आम आदमी पार्टी की कंप्लीट फेलियर हो चुकी है। उन्होंने जोड़ा मैदान है पोलीटिकल स्पेस वो बिल्कुल खाली है और अज की डेट में जोड़े बादल दल के अखौती अकाली ने वो नेड़े तेड़े भी नहीं गए और होर भी कोई पोलीटिकल जमात बीजेपी वगैरह लोग पंजाब के पसंद नहीं करते। इस करके कांग्रेस स्टैंड्स अ वेरी गुड चांस। सिर्फ ये हों कि तुसी लोगों दी भावना के अनुकूल जोड़ा लोगों का एजेंडा जोड़ा उन्हों का पीपल्स एजेंडा उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके ले जाने की लड़ है। ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੁਕੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਡਨਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ जिस ढंग के नाल साडे किसानां नूं खेत मजदूरों रोलिया उन्होंने 500-600 बंदा दिल्ली च मर गया पंजाब और जिदा के काले कानून थोपना चाहते हले भी थोपना चाहते एम एस पी देना नहीं चाहते इन्हां गल्लां दे खिलाफ लोग काफ़ी है ने। बीजेपी का कोई स्कोप नहीं गा। अज भी खहरा साहब चल रहे हैं अज भी बंदी सिंह की रिहाई लैके अंदोलन चल रहा है। टीचर्स की जी डिमांड है उन्होंने जॉइनिंग लैटर नहीं दिते जा रहे भी धरने दे रहे वो धरने तो सारे पंजाब लगे हुए हैं। पहला तो सिर्फ किसानों ने धरने लाए बेरोजगार नौजवानों ने धरने लाए फिर इंप्लॉयज़ ने धरने लाए लतीफपुरा ढाते घर उन्होंने धरना लाया जीरा फैक्ट्री के खिलाफ धरना हूँ तो नौबत आ गई कि सारी अफसरशाही धरने पर बह गई है। पाँच दिन तो पिछले कुछ दिनों तो अगले पाँच दिन तक सरकार के दफ्तर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ खाली ने। सो जिहड़ी सरकार अपने अफसर ना लोगों नाल रख पा रही है ना अफसर नाल रख पाई है ताई मैं कहना दिस गवर्नमेंट ऑफ भगवंत मान इज़ अ अटर फेलियर और पहले साल में कोई सरकार इन्नी बुरी तरह फेल नहीं हुई जिन्नी सरकार ए वाली इन्हां दी फेल हुई। धन्यवाद। बिल्कुल सुखपाल सिंह खहरा साढ़े नाल सी जिन्हां दे वलों साफ साफ कहा गया है कि जेड़े पंजाब सरकार ते सवाल चुके गए ने फेलियर दस्या गया कि पंजाब सरकार का एक वड्डा फेलियर है कि इन्ने समय दे विच पंजाब सरकार के खिलाफ जो धरने मुजाहरे पंजाब दे विच लगन लग गए ने तो कितने ना कितने वड्डा फेलियर दसते नजर आए ने। कैमरामैन गुरविंदर के नाल शालू मिरो फतेहगढ़ साहिब।